इस थीम को क्या प्ले किया जा सकता है? कोई कंपनी आपको लगता हो गोवा से रिलेटेड, यहाँ से महाराष्ट्र से, मुंबई से रिलेटेड या हरियाणा से रिलेटेड, जहाँ पर अच्छी तेजी बने, या फिर जो आपको पसंद हो? ये मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि रूरल एग्री स्पेस में हेमंत जैन इरिगेशन नाम की कंपनी है, यहाँ पे डेफिनेटली स्टेट लेवल पे भी इरिगेशन का आउटले शायद और थोड़ी तरीके से गवर्नमेंट बढ़ा दे. और ये क्लियरली एक इसलिए इशू है क्योंकि पानी की जो इशू है महाराष्ट्र में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक काफ़ी एक्यूट हो चुकी है. तो इरिगेशन को लेकर मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक काफ़ी और बड़े अनाउंसमेंट स्टेट लेवल पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर जैन इरिगेशन के स्टॉक को डेफिनेटली और फायदा होगा. मेरे ख्याल से दूसरे स्टेट्स के स्टॉक्स के लिए तो कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एग्री रिलेटेड जो थीम है वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी. ओके, वही महाराष्ट्र का बजट भी जो आने वाला है उसको देखकर ज्यादा लोग बुलिश इस बात पर हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकते हैं रियल इस्टेट शेयरों के लिए. रियल इस्टेट शेयरों में खासतौर से जो मुंबई बेस्ड है क्वाजी रियल इस्टेट स्टॉक, उन पर राय लेना चाहता हूँ. जैसे कि बॉम्बे डाइंग हो गया, जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल हो गया, यहाँ पर कहीं अविनाश आपको लगता है मौके बन सकते हैं खरीदारी करने के लिए 18 मार्च के पहले? मेरे ख्याल से एक सेंचुरी में डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है क्योंकि मेरे ख्याल से क्लियरली जिस प्रकार का इनका रियल एस्टेट का स्पेस में जिस प्रकार का एक्सपोजर है और जिस प्रकार का इसका वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है, मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद पूरी तरह से ये अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं लेकिन इसको लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इनिशिएट करेंगे. तो सेंचुरी मैं समझता हूँ अनिल वुड बी अ बेटर चॉइस. बॉम्बे डाइंग में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये भी अपना बॉम्बे का रियल एस्टेट काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से सेंचुरी विल बी अ बेटर चॉइस.